हेलो बच्चों, आज हम लोग नोड रिलेटेड रूट के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में देखेंगे क्या क्या होता है। तो देखते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी नोड रिलेटेड रूट। ये अक्सर पूछता है, कंपटीशन में भी ऐसे भी कोर्स में भी रहता है शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके साथ एक चीज़ जुड़ा हुआ है, आगे देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा। इसमें देखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि नोड रिलेटेड रूट होता क्या है। जैसे ये कोई प्लांट है तो आप देखेंगे रूट नोड्स लगे रहते हैं, यहाँ लगा रहेगा यहाँ। ये कोई प्लांट है, ये रूट नोड्स, ये लगा है, ये लगा, इसी को नोडुलेटेड रूट कहते हैं, नोडुलेटेड रूट। अब देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है। ये आप हमेशा देखेंगे कि ये डाइकॉट प्लांट्स, और स्पेशली किस में पाया जाता है, फेबेसी के मेंबर्स में। फेबेसी मेंबर यानी देखेंगे पल्से जितनी होंगी, पेपिलियोनेसी, फेबेसी की सब फैमिली है पेपिलियोनेसी, तो उसके रूट में। जैसे आप ये चना देखते हैं, चना चना को ग्रो कर गया अच्छे से चना, उसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से धीरे से खींचेंगे हिला के, तो उसमें ये साथ साथ निकलता है। फिर मटर में भी देख सकते हैं, जितने लेगुमिनस प्लांट हैं लगभग उस सब में आप छोटे बड़े देखने को मिलता है। अब इसमें देखते हैं कि जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर थ्रेड लाइक होते हैं, मतलब ये रूट्स नॉर्मल रूट होते हैं, लेकिन लास्ट में उनके क्या लग रहता है, बट स्वेल एट द एंड। और ये क्या जैसे होते हैं बीड लाइक, थोड़े थोड़े स्वेल किए हैं एंड पे, और ये कैसे हैं, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है यानी न्यूडूल, ठीक है। तो बीड लाइक स्ट्रक्चर इस जिसको न्यूडूल बोल देते हैं, ये पाए जाते हैं। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, किस में पाए जा रहे हैं। अब आगे मैं इसमें बताया ही था, समझ में आ जाएगा अभी। फाउंड इन प्लांट्स, किस पौधे में, दैट एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ा रहेगा। अब आप पल्सेज में पढ़े होंगे, आपको याद होगा राइजोबियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एसोसिएट करता है और इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है पौधे को, यहाँ नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, ये लेता है इसको, ये न्यूट्रिएंट और होस्ट इसको जगह प्रोवाइड करता है रहने के लिए और न्यूट्रिशन देता है, और इसको पौधे को ये क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। तो इस जो एसोसिएशन होता है उसको क्या बोल देते हैं, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम है ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और इस पौधे को हेल्प कर रहा है, जैसे चना है, मटर है, और भी बहुत सारे फेबेसी के मेंबर हैं जिसमें ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ये जो राइजोबियम है ये पौधे को नाइट्रोजन दे रहा है, और पौधा इसको क्या दे रहा है, फोटोसिंथेट यानी ग्लूकोज बन रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो इसको दे रहा है, पौधे को दे रहा है, इसके साथ साथ रहने के लिए जगह दे रहा है। जैसे आप देखे होंगे कोई फैक्ट्री चलाता है या कोई बड़ा इंडस्ट्री रखता है, तो जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनको पेमेंट करता है, वो उसके बदले में काम करते हैं, उसके लिए उनको घर भी देते हैं। इस प्रकार से ये एसोसिएशन है, और इस एसोसिएशन को सिम्बायोटिक
दोनों को फायदा हो रहा है इसमें, इसीलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके द्वारा इनको हेल्प कर रहा है, उसको भी मिल रहा है। और ये मोस्टली किस में पाया जाता है, मोस्टली फाउंड इन फेबेसी मेंबर्स, फेबेसी के जो मेंबर होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप राइजोबियम पे भी आता है, सिम्बायोटिक रिलेशन पे भी। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है। ये चूँकि बैक्टीरिया है छोटा है, प्लांट बड़ा होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा तालमेल से हस्बैंड वाइफ का होता है। जिसे नहीं बोलते हैं दो पहिया है, एक पहिया रुक गई तो दूसरी यही गोल गोल घूमेगी, उसी प्रकार से इसमें कोई रुकता नहीं है क्योंकि दोनों पहिया, यानी जो बैक्टीरिया है राइजोबियम वो नाइट्रोजन फिक्स करके इनको देता है, ये उसी के बराबर कंट्रीब्यूट इनको भी करते हैं। अब देखिए किस में पाया जाता है, तो अभी पल्सेज में जैसे सोयाबीन हो गया, पीज हो गया, जैसे ये देख लेंगे पीज मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राम हो गया, चना हो गया, और बहुत सारे पौधे हैं फेबेसी के मेंबर हैं, लेगुमिनस प्लांट, पेपिलियोनेसी, ऐसे करके हैं। तो आगे हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, तो सिंपल अभी देख लेंगे। अक्सर ये आप देख लेंगे चना बूट है, या चना उखाड़ के कच्चा जो खाने के लिए बेचते हैं वो भी लोग जब उखाड़ते हैं पानी चला के तो नीचे नूडल लगे रहते हैं, तो उसमें इजीली चने में दिख जाता है, ये हल्का सा थोड़ा सा बड़ा बड़ा बेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक बच्चों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और ये इसमें सबसे देखा जाए तो इसका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है राइजोबियम बैक्टीरिया का। ये नाइट्रोजन पौधे प्रोवाइड करता है, इसलिए इसकी खेती करना जो फेबेसी मेंबर के क्रॉपिंग होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है, नाइट्रोजन अलग से नहीं देना पड़ता, उसका काम ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही कर देता है। तो हमारा जो सॉइल होता है वो फर्टाइल भी होता है इसके द्वारा, इसकी अगर जो खेती करते हैं क्रॉप रोटेशन में साल में एक बार भी करते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है। ये सॉइल में रहते हैं तो उसमें नाइट्रोजन रिच होने लगता है और पौधे के लिए बड़ा फायदा करता है नेक्स्ट सीजन में बोने के समय, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नोडुलेटेड में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये फेबेसिक मेंबर में होता है राइजोबियम, उनके ये नोडुल में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन देते हैं, ये उनके एवज में इनको रहने के लिए जगह और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज देता है। ठीक बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, बाय।